हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ YSL सीजन 7 से जुड़े ट्रांसफर रूमर को लेकर और इंडियन फुटबॉल से जुड़े अपडेट को लेकर, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने ही वाला है। तो आशा करते हैं कि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो हम पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ ट्रांसफ़र अपडेट को लेकर जो निकल के आ रहा है चेन्नई एफसी और जमशेदपुर एफसी से जुड़े। तो सुना जा रहा है कि चेन्नई एफसी टीम मैनेजमेंट ने नर्जरस वास्केस को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर दिया था और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया दोस्तों, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जो है चेन्नई एफसी का, वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे का ऑफर कर रही थी और नर्जरस वास्केस इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और ये बात दोस्तों नर्जरस वास्केस ने खुद कहा है और जमशेदपुर एफसी इन पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है दोस्तों। और चेन्नई एफसी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने के बाद जमशेदपुर एफसी में जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है नर्जरस वास्केस का। और दोस्तों वास्केस का यूरोपियन क्लबों से भी ऑफ़र है और ISL से भी कुछ टीमों का ऑफ़र है, जिसमें से दोस्तों जमशेदपुर एफसी का चांस सबसे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ये अभी तक सिर्फ र्यूमर है, आगे कुछ भी कंफर्म अपडेट आता है वास्केस को लेकर तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और अपडेट को लेकर जो निकल के आ रहा है दोस्तों FC गोवा से जुड़े और चेन्नई FC से जुड़े। तो ये दोनों टीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है मीकू के ऊपर और मीकू को काफ़ी ज़्यादा बड़े रकम का ऑफ़र भी दे रही है, क्योंकि दोस्तों FC गोवा की अगर बात करें तो उनके टीम में अगले सीजन शायद फेरान कोरोमिनास उनके टीम में ना खेले। और चेन्नई FC की अगर बात करें तो नर्जरस वास्केस भी चेन्नई FC के लिए अगले सीजन कंफर्म नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों टीम मीकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है और मीकू के पास इसके अलावा भी बेंगलुरु FC और हैदराबाद FC का भी ऑफर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मीकू को लेकर अभी तक ये सिर्फ र्यूमर है, अभी तक कुछ भी कंफर्म अपडेट नहीं है और जैसे ही कंफर्म अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है केरला ब्लास्टर FC और हैदराबाद FC से जुड़े। तो दोनों ही टीमों ने दोस्तों स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर सीटो रियरा को ऑफर दिया है और इनका उम्र है दोस्तों 33 साल और इनके क्लब करियर की अगर बात करें तो इन्होंने बार्सिलोना बी और सी दोनों के लिए खेला है दोस्तों। और ये अभी जो क्लब में खेल रहे हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मई 2020 को ख़त्म होने वाला है, यानी कि इसी महीने ख़त्म होने वाला है दोस्तों। तो हम इनको ISL में खेलते देख सकते हैं, लेकिन कौन सी टीम के लिए खेलेंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये अभी तक सिर्फ र्यूमर है। और जैसे ही दोस्तों इनके बारे में कुछ कंफर्म अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है दोस्तों FC गोवा से जुड़े। तो आपने शायद सभी कोई जान चुके होंगे दोस्तों कि FC गोवा का नया कोच, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था FC गोवा के हेड कोच के बारे में जो होने वाले हैं दोस्तों कार्लोस डुंगा। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है FC गोवा ने ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है न्यू हेड कोच जुआन फर्नांडो को। जुआन फर्नांडो का अगर कोचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सिर्फ 10 साल का ही है और इनका उम्र भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है। और देखना इंटरेस्टिंग ये होगा दोस्तों कि FC गोवा इनके अंडर कैसे प्रदर्शन करती है और FC गोवा अगले साल चैंपियंस लीग भी खेलने वाली है। तो दोस्तों जुआन फर्नांडो FC गोवा के न्यू हेड कोच पूरा ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों इंडियन फुटबॉल से जुड़े। तो क्रोएशिया के हेड कोच ज्लैटको डैलिक ने इंडियन फुटबॉल के बारे में कहा है कि मैं इंडियन फुटबॉल को फॉलो करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इंडियन सुपर लीग में जो फॉरेन खिलाड़ी की संख्या है वो कम की जाए। और ऐसा मानना दोस्तों ईगो स्टीमैच का भी है जो इंडियन फुटबॉल टीम के अभी करंटली कोच है और जिसके कारण कुछ दिन पहले ही FSDL मैनेजमेंट और AIFF ने यह मिलकर डिसीजन लिया कि फॉरेन खिलाड़ियों की संख्या कम किया जाए और उन्होंने फॉरेन खिलाड़ी की संख्या कम कर दिया है दोस्तों। इसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वो वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों अब जो हम टॉपिक पर बात करने वाले बहुत ही बड़ा बिग टॉपिक है और आप सभी ATK मोहन बगान फैनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा और गुड न्यूज़ है। सुना जा रहा है कि ATK मोहन बगान मैनचेस्टर सिटी के साथ ट्विन करने वाली है दोस्तों ISL सीजन 7 में। इससे पहले मैनचेस्टर सिटी ग्रुप मुंबई सिटी FC के साथ जुड़ी हुई है और अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों ATK मोहन बगान के साथ भी मैनचेस्टर सिटी
ट्वीन करने वाली है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हल्का र्यूमर है, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म अपडेट नहीं है। जैसे ही कंफर्म अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज का लास्ट अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है दोस्तों इंडियन फुटबॉल से जुड़े। तो हाल ही में अनंत त्यागी जो स्टार स्पोर्ट्स के एंकर है और पॉल मिसफील्ड, इन दोनों को हम बहुत ही अच्छे तरीका से जानते हैं दोस्तों, हम सभी इंडियन फुटबॉल फैंस और साथ में ISL फैन हम तो इनको जानते ही है। तो हाल ही में इन दोनों के बीच में लाइव वीडियो सेशन चल रहा था और अनंत त्यागी ने पॉल मिसफील्ड से पूछा कि आने वाले समय में आपके हिसाब से इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन सुनील छेत्री के बाद कौन हो सकता है। तो पॉल मिसफील्ड ने अनिरुद्ध थापा का नाम लिया और उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध थापा मुझको लगता है कि आने वाले समय में इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन बन सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और मेरे चैनल का दोस्तों जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर पूरा करवा दो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।